हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रही हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरे चैनल पर सभी रीडिंग टाइमलेस हैं। जब भी आपको वीडियो मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? जितनी भी वीडियो मैंने बना रखी है सभी टाइमलेस हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं या पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपकी आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पर्सन का दो मन कर रहा है, आपके साथ में बात करूं या ना करूं, आपके साथ में आगे प्यार करूं या ना करूं, आपके साथ में लाइफ को जीऊं या ना जीऊं, आपके साथ में जो है रिकनसाइल करूं या ना करूं। यहाँ पर दो मन हो रहे हैं आपके पर्सन के, ठीक है? लेकिन उनको क्लियरिटी मिलने लग रही है धीरे धीरे। आपसे वो प्यार करना चाहते हैं, प्यार करते भी हैं, और यहाँ पर उनको क्लियरिटी भी मिलने लगी है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा जो है उस पर डाउट कर रहे हैं। उनको लगता है कि क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या मुझे अपने पार्टनर से प्यार करना चाहिए, रिकनसाइल करना चाहिए, ठीक है? एटर्नल लव लग रहा है मुझे यहाँ पर। पिछले जन्मों का प्यार आपका दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों कई जन्मों से साथ में हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सोच रही है कि मुझे क्लियरिटी तो मिल रही है, फिर भी मैं क्या मूव ऑन कर लूँ, मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सैड की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको क्लियरिटी मिलने के बाद में भी जो है उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि मैं खरी खोटी सुना दूँ इनको, ठीक है, या फिर मैं जो है कुछ ऐसे कड़वे वचन बोल दूँ। उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा समझदार भी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुंहफट भी लग रहे हैं या फिर कोई कड़वे वचन आपको बोल सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सावधान रहिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपको देख रहे हैं कि आपका हो सकता है कोई पेट चला गया हो, आपकी मदर नहीं हो आपके साथ में, मदर तारा बन गई हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत उदास रहते हैं, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा आपको देखती है तो दुख होता है। आप किसी काम में बिजी रहते होंगे, बहुत ज़्यादा आप किसी काम को करते होंगे तो परफेक्शन के साथ में करते होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर स्किल्स को देखते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे आप जॉब करती हो, ठीक है? आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी आप काम करते हैं परफेक्ट तरीके से करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ जो है प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और आपकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं। आपको एक मदरली नेचर देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हैं, मतलब लोगों की मतलब अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हो सकता है आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर आपके पैर मुझे यहाँ पर स्पेशली दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ मेरी नज़र जा रही है बार बार, ठीक है? हो सकता है कि आपके पैरों की तरफ देख देख करके उनको बहुत टेंशन होती है और बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो रिकनसाइल करना चाहती हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं प्यार में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको फुल्ली सपोर्ट करना चाहती हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टाइम स्पेंड करना चाहती हैं और आपको प्यार का ऑफर भी देना चाहती हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहती हैं, पैशनेट नई बिगनिंग करना चाहती हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस्ड हैं वो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका माइंड जो है वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं फिर से धोखा मिल सकता है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अभी उनसे पेशेंस भी नहीं रखा जा रहा है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि कभी फिर ये समय हाथ से निकल गया तो फिर मेरा क्या होगा, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड जो है वो डाउट कर रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहती हों, बहुत ज़्यादा टावर आते हों, और इसलिए जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी, और अपने रिलेशनशिप के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अभी पेशेंस रख करके प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिस प्लानिंग को वो कर रहे हैं वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ सीक्रेट्स हैं उनके, अभी मुझे यहाँ पर सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं उनके और वो अभी किसी को
जो है बताना नहीं चाहते, रिवील नहीं करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप को वो आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने बच्चों के साथ में, आपके साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कामर वाटर की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर अवेकनिंग आ रही है, उनको समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप का क्या जो है मोल है और ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना मायने रखता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी अवेकनिंग चल रही है उनकी, ठीक है। उसके दौरान उनको समझ में आने लगा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर एक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो रिवर्स में आया है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको डाउट्स आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। समझ में आने लग गया है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हैं, रिलेशनशिप उनके लिए कितने मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर डाउट्स बहुत ज्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है, भाग्य बदलेगा आपका। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा समय आ रहा है, साइकिल आपकी क्लोज हो रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो है गुड टाइम आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अभी वो दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। पहले आपसे दूर भागते होंगे लेकिन अभी वो दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर डबल डबल कार्ड मिल रहे हैं कि आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंस और प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बार बार यही मैसेज मुझे पिक हो रहा है, ठीक है। इस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस घुटन भरी लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर रिवर्स में कार्ड मिला है, बहुत ज्यादा जो है शांत हो रहे हैं अभी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ काम करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे। ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट रख रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आप लोग मिरर कर रहे हैं, आप दोनों पार्टनर मिरर कर रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हो वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं आपके पर्सन, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपको बहुत अच्छा पर्सन देखते हैं, आपको बहुत ही जो है मदरली नेचर देखते हैं, आप बहुत खुशनुमा इंसान हैं, लेकिन अभी आपकी लाइफ में भी सब अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसलिए जो है वो आपकी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इंट्यूशन जो बता रही है, क्या मुझे उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्या मुझे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर सेरा वाले माँ की जो स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिल रही है, दोनों को ही सपोर्ट मिल रहा है, उनका उनका आशीर्वाद मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उनका फाइटिंग करने का भी मूड है अभी, क्योंकि वो ऊब चुके हैं इस सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन से ऊब चुके हैं। और क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली की ज्यादा सुनते होंगे आपकी बजाय, और आपकी भी सुननी पड़ती है, फैमिली की भी सुननी पड़ती है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं और इसीलिए उनका मन करता है कि वो फाइटिंग करें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेटिंग गो करना चाहते हैं, सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेटिंग गो करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे एट ऑफ कप्स का कार्ड मिला था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि बस छोड़ो इस रिलेशनशिप को, लेकिन वो आपको नहीं भूल रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका मन बहुत फाइटिंग करने का कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बन चुके हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। कभी कभी सोचते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने चाहिए और कभी सोचते हैं कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस मैं आपके पर्सन के साइन बताना चाहूं तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, टोरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी साइन हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है। मैं अभी आपके पर्सन के मैसेज देखना चाहूंगी, ठीक है। चलिए मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। आपके पर्सन जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, आपके हैंड्स यानी कि आपके हाथों में जादू है, ऐसा वो कह रहे हैं कि आप हर चीज को ठीक कर देते हैं और बढ़िया बना देते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको मैं ऐसा लगता हूं कि भाई मैं चिंता नहीं करता हूं, लेकिन मैं बहुत चिंता करता हूं, ठीक है। और
आप मुझसे बहुत कम प्यार करने लगे हैं, ऐसा कह रहे हैं। आपको टच करती हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है उनको, ऐसा ऐसा भी कह रहे हैं। ठीक है, यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कोई चॉइस मुझे मिले तो मैं आपको ही चूज करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो सिचुएशन से इतना उग चुके हैं कि वो अभी मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, दोनों सिचुएशन आपके सामने हैं, वो मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं, वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की भी सोच रहे हैं। अभी उनका मन जो है वो डाउट में है। ठीक है, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।